सर, ये पूरा का पूरा मामला जो है बहुत गंभीर लग रहा है। क्या आपको लगता है कि ये जो पुलवामा जैसे हमला हुआ था उसी तर्ज पे हमला होने वाला था? बिल्कुल उसी तरह पर था। और मिलिट्री में खास करके जैश मोहम्मद हरदम प्रयास करता रहा है कि बड़ा सा सेंसिटिव अटैक करे सेंसेशनल। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि पिछले 4 महीना में जैश मोहम्मद का कमांडर कारी यासीन मारा गया, HM का रियाज अख मार गया, उसका डिप्टी चीफ जुनेद सिप्ला मार गया। ये लोग भी प्रेशर में है कि और ये लोग जो नए लीडरशिप इनके हैं, ये चाहता है बड़ा हादसा करके और ये दिखाना चाहे नेटिव पे कि मिलिटेंट का अपहरण है जो हम लोग नहीं होने देंगे। तो किस तरीके से ये प्लानिंग की जा रही थी? ये लग रहा है कि बहुत सारा एक्सप्लोसिव इसमें जमा किया गया था। बिल्कुल, इस टाइप का तैयारी करने में कम से कम 1 से 2 महीना टाइम लगता है और हम लोग को पिछले 2 महीना से काफी खबर आ रहा है कि ऐसा हादसा करने वाला है। जंगे बदर के दिन हम लोग काफी टेंशन में थे कि ऐसा अटैक कर सकता है, लेकिन उस टाइम हम लोग बहुत प्रिवेंटिव मेजर ले रहे थे, ऑपरेशन भी बहुत तेजी लगा दिए थे, कॉर्डन सर्च चल रहा था तो उस टाइम हम लोग नहीं कर पाया था। किस तरीके का एक्सप्लोसिव यूज किया गया है? जैसा भी हम लोग आप शेयर कर चुके हैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और यूरिया नाइट्रेट यूज किया गया इसमें, कितना मात्रा में किया हुआ है? और करीब 40 से 45 kg है। तो लगभग उतना ही जितना पुलवामा के ब्लास्ट में हुआ जी, था, लगभग बिल्कुल उसी तरह से बिल्कुल अटैक एग्जैक्ट। वाला। तो किस तरीके से आप ये चैलेंज चुनौती देख रहे हैं कि जैसे कार बॉम्ब ब्लास्ट को प्लानिंग किया जा रहा है करके? देखिए, इसमें हम लोग ह्यूमन एंड प्लस टेक्निकल एंड दोनों के हेल्प से हम लोग खबर को जनरेट करते हैं। इसमें जे की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, खास कर इन जनरेशन में, और जो इनिशिएटिव लेती है ऑपरेशन लॉन्च करने में, चाहे प्रिवेंटिव ऑपरेशन हो या जो हमारा ऑफेंसिव ऑपरेशन हो, इसमें जे की पुलिस का बहुत लीडिंग रोल है। तो अब NIA इस मामले को जांच करेगा आगे? इनिशियल तो हम ही लोग करें, अगर देखते हैं कि जरूरत पड़ेगा तो NIA टीम को हम लोग दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।